आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा टमाटर की सब्जी। ये हमने 3 उबले आलू लिए हैं, इसको हमने मैश कर लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, पहले से रख दी थी। इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। इसमें 1/2 स्पून डालेंगे जीरा। अब इसमें हम आलू डाल देंगे जो उबले हुए। फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये स्वाद अनुसार नमक, इसको हम मिक्स करेंगे। इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। इसमें हम थोड़े से प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए, और ये कद्दू की हुई थोड़ी सी अदरक। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। ये आलू बनके हमारा रेडी है। अब ये हमने 5 टमाटर लिए हैं, अच्छे से इसको हमने धुल लिया है। अब इसको हम काटेंगे। एक कटोरी ले लेंगे। अब इसको हम ऐसे ऐसे अंदर का ही गूदा इसका सब निकाल देंगे। ऐसे ऐसे चाकू हम घुमाते जाएंगे। अब इसी तरीके से हम सब टमाटर, सभी टमाटरों का गूदा निकाल लेंगे। ये टमाटर का गूदा हमने सब निकाल लिया है, ये इस तरह से है। अब इसमें हम आलू भरेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम आलू भर देंगे। इसको ऐसे हम बंद कर देंगे। ये टमाटर हमारा बन गया। अब ये दूसरा टमाटर भी ऐसे हम भर लेंगे। ये टमाटर सब हमने इसमें आलू भर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई हमने रख दी थी, गर्म हो गई है। इसमें हम ऑयल डालेंगे।
ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम टमाटर को अच्छे डाल देंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, और फ्लेम को लो कर देंगे। तो टमाटर हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। भरवा टमाटर की सब्जी बनके हमारी रेडी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों को हमारे भरवा टमाटर की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।